फ्रेंड्स, आज हमारे साथ है यूनिवर्स एडवेंचर हिंदी, जो आपको दिखाने वाले हैं दुनिया के गजब के 8 पेड़। देखा जा सकता है ज्यादातर पेड़ तो कुछ दशकों की जिंदगी जीकर दम पर्यावरण को समतोल रखने का काम अगर कोई करता है तो वो है पेड़। पेड़ों की वजह से हवा ठंडी रहती है और बारिश होती है। इस दुनिया में 60,000 पेड़ों की प्रजातियां पाई जाती हैं। इन सब का होने का मकसद अलग है। हर प्रजाति अपनी ओर से पर्यावरण का समतोल संभाले रखने का काम करती है, लेकिन कुछ पेड़ या प्रजातियां बेहद ही यूनिक और खास होते हैं। कुछ पेड़ 5,000 साल तक जिंदा रहते हैं तो कुछ हमेशा रंग बदलते रहते हैं। आज यूनिवर्स एडवेंचर ऐसे गजब के पेड़ और पेड़ों की प्रजातियों की लिस्ट लेकर आपके सामने हाजिर हो चुका है। तो चलिए जरा भी वक्त न गंवाते हुए शुरू करते हैं। नंबर 8, एंजल ओक ट्री। अमेरिका के साउथ कैरोलिना में जॉन्स आइलैंड पे हजारों साल पुराना एक पेड़ आज भी जिंदा देखा जा सकता है। ज्यादातर पेड़ तो कुछ दशकों की जिंदगी जीकर दम तोड़ देते हैं। ऐसे में किसी पेड़ का 5,000 साल जिंदा रहना इससे बड़ा आश्चर्य इस दुनिया में और क्या हो सकता है। एंजल ओक ट्री सच में इस दुनिया का एक बेहतरीन अजूबा है। आप देख सकते हो कि किस तरह से बूढ़े होने की वजह से इसकी टहनियां चारों ओर फैल गई हैं। कुछ तो जमीन को छू रही हैं तो कुछ टहनियां जमीन में घुसकर फिर से ऊपर की ओर उगाई हैं। लेकिन आज भी ये पेड़ उतनी ही शान से खुद में जान बचा के जी रहा है। दुनिया भर के वैज्ञानिकों को हैरत में डालते ये पेड़ इतनी ज्यादा समय जिंदा बचे तो बचे कैसे। स्थानीय लोगों में दंत कथा प्रचलित है कि कभी कभी इस पेड़ पर एंजल्स को रात में नाचते देखा जा सकता है, लेकिन ऐसा कभी साबित नहीं किया जा सका। भूकंप हो या बाढ़ हो या हो कोई तूफान, इन सब ने इस पेड़ को हानि जरूर पहुंचाई, लेकिन कभी भी इसकी जड़ों को हिला न सके। जिस इतिहास के बारे में स्थानिकों ने बस सुना है, ये पेड़ उस इतिहास का खुद गवाह भी रहा है। इसी वजह से हजारों सैलानी इसे देखने बार बार आते हैं। नंबर 7, स्केलेटन डेड विलीज ट्री। रेगिस्तान जैसी जगहों पर जहां पानी का नामो निशान नहीं होता, ऐसी जगहों पर जानवर तो दूर, पेड़ पौधे उगने की कल्पना भी हम नहीं कर सकते। रेगिस्तान में पेड़ पौधे सिर्फ फिल्मों में ही देखे जा सकते हैं, लेकिन असलियत में ऐसी जगह है सिर्फ नामीबिया में। इस जगह को देखने के बाद आपको सबसे पहले जो महसूस होगा वो होगा डर, क्योंकि इसकी वीरानियों को देखते ये किसी शैतान का घर होगा ऐसा लगना लाजमी है। ये पेड़ कब के मर चुके हैं, इनमें कोई भी जान नहीं बची। आप देख सकते हो कि सूरज की धूप को झेलते झेलते इन्होंने अपना रंग तक खो दिया है। एक पत्ता भी इन पेड़ों पर नजर नहीं आता। ये सब देखने के बाद इसका इतिहास जानने की दिलचस्पी हर किसी को होगी। असल में यहाँ आज से करीब 700-800 साल पहले एक नदी हुआ करती थी। यहाँ कई लोग रहा करते थे, लेकिन जैसे जैसे नदी सूखती चली गई, लोग यहाँ से चले गए और बचे तो सिर्फ वो पेड़ थे, वो भी पानी न होने के कारण मर गए। आज हजारों लोग देखने आते हैं कि ये जगह जब खुशहाल होती होगी तो यहाँ का मंजर कैसा रहा होगा। अगर आप भी ये जगह देखने की सोच रहे हो तो पानी की बॉटल साथ जरूर ले जाना। नंबर 6, बाओबाब ट्री। बाओबाब पेड़ अफ्रीका में पाए जाने वाले सबसे बड़े और सबसे अजीब पेड़ होते हैं। इनकी ऊंचाई किसी 4-6 मंजिला इतनी हो सकती है। आप जो पेड़ देख रहे हो ये सब पेड़ 800 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। इतनी लंबी उम्र वाले पेड़ काफी कम ही देखे जाते हैं। जहां आम पेड़ कड़ी धूप में पानी के बिना सूख जाते हैं, वहां बाओबाब ट्री धूप में भी हरे देखे जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बाओबाब पेड़ में इस तरह की क्षमता होती है कि वो बारिश के मौसम में उपलब्ध पानी की जमावट अपने अंदर लेते हैं। ये पानी की जमावट कई हफ्ते और महीनों तक जमा रहती है। जब गर्मी का मौसम आता है और पानी का कोई नामो निशान नहीं होता, तब ये जमा पानी ये पेड़ इस्तेमाल में लाते हैं। आप जो ये गर्मी में हरी हरी पत्तियां देख रहे हो ये उसी की ही देन है। सारे अफ्रीका में इसके पत्ते की सब्जियां बनाई जाती हैं और चाव से खाई भी जाती हैं। अगर आपको भी कभी इन पेड़ों को देखने का मौका मिले तो ये मौका जाने मत दीजिएगा। नंबर 5, द वावोना ट्री। आपने